गाइस डुगू तो कह रहा पापा मेरे को इसके अंदर रनिंग नहीं हो पाएगी, इसने तो अपना निक्कर और टी शर्ट दोनों चेंज कर लिया भाई। तो गाइस दोनों भाइयों ने पोजीशन ले ली है और बस ये दोनों भाई रनिंग करने के लिए तैयार हैं अभी। कबीर कबीर झूला तेज हो गया दोस्तों। तो गाइस हमारी मेट्रो भी आ गई है, देखो कबीर को पता नहीं क्या होता है, कभी कभार कहता है बैठे बैठे घर में कि मेरे को मेट्रो में घुमा के लाओ। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, फिर एक नई सुबह के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। और गाइज कल आया था डुगू के स्कूल से एक मैसेज जिसके अंदर ये लिखा गया है कि भाई डुगू के स्कूल के अंदर 14 तारीख को एक स्पोर्ट्स कंपटीशन है और स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर 4 गेम्स हैं। तो मैम ने लिख के भेजा है जिसको जिस गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट लेना है तो वो उस गेम्स की प्रैक्टिस करके आए। और 4 गेम्स हैं, शतरंज है, रस्सा कूद है और चम्मच और नींबू वाली, जो चम्मच मुंह में रख के और नींबू रख के दौड़ लगाते हैं वो है, और एक हैगी 50 मीटर की दौड़। तो डुगू से मैंने पूछा है डुगू तूने किस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट लेना है, तो वो कह रहा है कि मैंने तो पापा दौड़ के अंदर लूँगा 50 मीटर की दौड़ जो है। तो गाइस बस आज व्लॉग के अंदर थोड़ा बहुत यही दिखाऊंगा कि डुगू को भी ले जाते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। मैम ने कहा है 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस करो और जो बच्चा सही होएगा उसके अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर लगेगा उसका हम नाम लिखेंगे। तो गाइस डुगू तो मुझको सुबह 6 बजे से उठा रहा है, 5:30 बजे से उठा रहा है और मैं ही नहीं उठ पाया। मैंने सोचा चल यार आज स्कूल की छुट्टी है इसकी तो थोड़ा लेट उठेंगे। तो गाइस अब बज चुके हैं 10 और ये कह रहा है मुझको कि पापा मैं आपको इतनी देर से उठा रहा था और अब बस मेरे को प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके चलो। तो गाइस चलो चलते हैं। कबीर भी कह रहा है मेरे को कि पापा मैं भी चलूँगा भाई के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, दोनों भाइयों की प्रैक्टिस करवाते हैं, देखते हैं ये सही से रनिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अभी इसका मन है कि रनिंग करने का 50 मीटर की दौड़ के अंदर, देखते हैं। चलो गाइस मिलते हैं पार्क के अंदर अब। तो दोस्तों डुग्गू तो तैयार है बिल्कुल रनिंग करने के लिए सुबह से, और देखो डुग्गू के साथ साथ तैयार है रनिंग करने के लिए कबीर भी। कबीर कह रहा है कि पापा जी मैं भी चलूंगा आपके साथ। अच्छा देखो कबीर कुछ कहना चाह रहा है गाइस, सुनो जरा। गाइस इसके पैसे देख लो, ये नकली नोट लेके, नकली के हैं, नकली नोट लेके घूमता रहता है। गाइस डुग्गू तो कह रहा है पापा मेरे को इसके अंदर रनिंग नहीं हो पाएगी, इसने तो अपना निक्कर और टी शर्ट दोनों चेंज कर लिया भाई। ये देखो ये पहन के जा रहा है और देखो कितना तगड़ा है, एकदम बॉडी बिल्डर लड़का ये देखो। तो दोस्तों दोनों भाई आ गए हैं पार्क के अंदर, अब ये करेंगे दोनों रनिंग, अब देखते हैं। अच्छा कबीर तो करेगा नहीं, डुगू का देखते हैं डुगू रनिंग कर पाएगा सही से कि नहीं कर पाएगा। सीधा सीधा है और सिर्फ 50 मीटर की रनिंग है, बस सिर्फ 50 मीटर कहने में आसान है गाइस, लेकिन इसके जितने इसकी एज के बहुत सारे बच्चे होंगे तो उस 50 मीटर में देखते हैं कौन फर्स्ट आता कौन नहीं, बाकी ट्राई करने में क्या जा रहा है। हमेशा हर बच्चे को ट्राई जरूर करना चाहिए चाहे वो फर्स्ट आए या ना आए। तो गाइस दोनों भाइयों ने पोजीशन ले ली है और बस ये दोनों भाई रनिंग करने के लिए तैयार हैं अभी। ओके 1 2 3 गो, वेरी गुड। देखो गाइस टुकू आगे जाके थोड़ा स्लो हो जाता है। गो वेरी गुड। तो दोस्तों कबीर तो थक चुका है, कबीर कह रहा है पापा जी मैं बैठ रहा हूँ। यहाँ पे बैठेगा कबीर, चल उधर वाले पे बैठ जा। तो दोस्तों डुगू ने फिर से पोजीशन ले लिया और ये तीसरी बारी रनिंग कर रहा है। अब मैं बोलूँगा 1 2 3 गो, गुड बॉय, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों डुगू कबीर तो रनिंग करके थक गए हैं और वाकई में यार 3-3 4-4 चक्कर ले लिए इन्होंने, थकावट तो बनती है। अब ये झूला झूलने के लिए कह रहे हैं, अब झूलेंगे हम इनके साथ नहीं, अब ये दोनों भाई झूलेंगे झूला। डुगू कह रहा है मैं तो अपने पैरों की एक्सरसाइज करूँगा। ठीक है कहाँ पे, डुगू को तो मिल गया झूला,
तेरे लग जाएगी, कभी तेरे लग जाएगी। ये तो बहुत चोट लगेगी इस वाले पे तो। कबीर कह रहा है ये वाला झूल लो मेरे साथ डुगू भाई, बैठो अपने आप बैठो। ये देखो दोनों भाई ऐसे नकली नोट लेके बैठे हुए हैं, और क्योंकि पापा जी पैसे पकड़ लो, पापा जी पैसे पकड़ लो, पैर आगे कर ले, बस ऐसे ही बैठे रहियो। अच्छा चल डुगू लगा जान। डुगू जो है कबीर को उठा नहीं पा रहा दोस्त, तो ओए उठा लिया। कबीर पीछे होके बैठा रहा। हाँ हाँ हो ऊपर हो, शाबाश हो ऊपर हो, वेरी गुड। डुगू नीचे तो आने दे, अपनी तरफ से नीचे आने दे यार। हाँ अब कर ऊपर। कर ऊपर कर, शाबाश। ये देखो दोस्त डुगू तो बहुत तेज झूल रहा है, कबीर फर्स्ट टाइम झूल रहा है, कबीर को डर लग रहा है। हाँ अब तो कबीर का भी झूला तेज हो गया दोस्तों। ये दोनों भाई देखो झूले में मस्ती करते हुए फुल। बस चलो अब बहुत झूल लिया बेटा, धूप भी हो गई है, एक झूला नहीं बेटा बस, अब बाद में ठीक है। नहीं धूप देखो कितनी तेज हो गई है, चलो चलो डुगू क्या कल भी रनिंग करने आना बेटा, दो दिन लगातार प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों कबीर और मैं आए हैं मेट्रो में घूमने के लिए आज। ये देखो आराम से बस बस यहीं पर ही। तो गाइस हमारी मेट्रो भी आ गई है। देखो कबीर को पता नहीं क्या होता है, कभी कभार कहता है बैठे बैठे घर में कि मेरे को मेट्रो में घुमा के लाओ। स्लिप होना चाह रहा है, स्लिप होके देख। ये कबीर की मस्ती, ये तो ऐसा लग रहा है स्केटिंग चला रहा हो जैसे तू। दोस्तों इसको पता नहीं क्या गंदी आदत पड़ गई है अपने होठ खाने की, अब मैं इसको हमेशा डांटे करूंगा। आग जो होती है वो ऑरेंज येलो क्यों होती है? लो दोस्तों रीजन, रीजन बताओ। अच्छा रीजन बताऊं? आजा आजा इधर आजा इधर आजा, पार्क में जाना भी। मुझको तो पता नहीं कि आग जो है ऑरेंज येलो क्यों होती है, आप बताओ इसको। हाँ आग क्यों होती है ऑरेंज और येलो क्यों होती है? ऑरेंज येलो क्योंकि पेंट कर दिया जाता है उसके ऊपर। आग के ऊपर पेंट कौन करता है? फेक पेंट। अच्छा जी, इनविजिबल कपड़ा लगा देते हैं किसी को ढकने के लिए, फिर उसके ऊपर आग लगा देते हैं, फेक आग लगा देते हैं बहुत सारे। दोस्तों देख लो पता लग गया आग ऑरेंज और येलो क्यों होती है, देख लो अब आप। गाइस आप कमेंट में बताना डॉगी जो होता है वो काला नीला कैसे हो सकता है, काला नीला कैसे हो सकता है बताओ गाइस आप। एक सवाल और कमेंट में, ठीक है कमेंट में बताना आप। एक सवाल और कि डॉगी जो है वो काला नीला कैसे हो सकता है? बच्चों के जो होते हैं ना सवाल ऐसे ही होते हैं उल्टे सीधे। ए, मैं उल्टा नहीं बोलता। मैं यूं नहीं कह रहा कि तू उल्टा बोलता है, मैं कह रहा हूँ बच्चों के सवाल उल्टे सीधे ही होते हैं। उल्टे सीधे नहीं होते। तो ये डॉगी डॉगी जो है काला पीला क्यों होता है, ये उल्टे सीधे ही है? नहीं काला पीला कैसे हो सकता है वो काला पीला डॉगी, रीजन बताओ गाइस आप। तो दोस्तों ये देखो कबीर उल्टा हुआ हुआ है, इसके सारे काम उल्टे रहते हैं, और ये अपनी अभी अभी लेके आया है अपने लिए बहुत सारी चीजें, दो ही चीजें। तो मतलब तू लेके आया है ना इतनी सारी चीजें, लेकिन अपने लिए दो लाया है, दो भाई के लिए लाया है, दो बहन के लिए लाया है। गाइस देखो क्या क्या लेके आया ये, कचरी मेरी नहीं है। किसकी है?
अच्छा ये परी बहन की है, ले परी बहन को दे दे। एक मिनट, ये ग्रीन ग्रीन चिप्स किसकी है? ये ग्रीन और ब्लू किसकी है कबीर? ये ले भाई को दे, भाई को दे दे दोनों, ग्रीन और ब्लू दे दे भाई को दे दे। ये डुग्गू भाई की है। बाकी देखो मैं आइसक्रीम लाया हूँ। आइसक्रीम? हाँ ये छोटी आइसक्रीम है और एक किंडर जॉय रेस वाला। अरे वाह किंडर जॉय रेस वाला, अच्छी लगती है चिप्स भी। ये कैसी आइसक्रीम है? छोटा सा और वो चॉकलेट है, लेकिन अच्छा लग रहा है। बच्चे ऐसे ऐसे खिलौने लेते हैं यार खाने वाले। ये क्या भाई चिप्स दे रहा है? देखो लीजिए मैं चिप्स खा लूँ जल्दी जल्दी, डुग्गू ने मेरे को चिप्स दिए। ये निकली है भाई तेरी पिंक कंगी। मुझे दे दो पापा। गाइस ये निकली पिंक कंगी इसकी। मुझे दे दो। डुगू को कबीर दे दो, डुगू भाई को। नहीं नहीं भाई डुगू मना कर रहा है। कबीर तो लड़की वाली चीज ले रहा। तो गाइस डुगू कर रहा है लंच, हम सब ने भी खा लिया खाना और रात को हमारे घर में बनी है देखो दाल और रोटी और चावल। तो गाइज हम सब खा चुके हैं खाना और इस वीडियो को करते हैं आज यहीं पर ही खत्म। बस ये करने वाला है, बाय बाय गुड नाइट। कमेंट करो शेयर करो और लाइक करो हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय गुड नाइट करो एंड। जय श्री राम। कह रहा जय श्री राम। वो उसका कल जवाब देंगे, ये अभी तो बाय बाय करके गुड नाइट कर दे। गाइस बाय बाय।